Hello everyone, welcome to the next lecture of our OS course. In this video, we will be discussing what is kernel and what are the types of kernel. So till now we have discussed ki jo OS hota kya hai aur OS kaam kaise karta hai. In our last video, we have discussed ki jab bhi koi kaam OS ke through ho raha hota hai, like OS jis bhi kaam mein as in इंटरफेस यूज होता है उस काम वो काम हमेशा हमारा कर्नल मोड में होता है. तो बेसिकली अगर हम कर्नल को डिफाइन करें तो कर्नल हमारा होता क्या है, हाँ तो बेसिकली जो कर्नल है ना हमारा, कर्नल हमारा ओएस का कोर कंपोनेंट है. बेसिकली अगर हम बोले तो इट इज हार्ट ऑफ द ओएस. ठीक है, को कर्नल क्या है, करता है वो हमारे एप्लीकेशंस में, मतलब जो हमारे यूजर एप्लीकेशंस और हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं इनके बीच का हमारा जो ब्रिज होता है वो ओएस होता है, वो कर्नल होता है. सॉरी, जो हमारे यूजर एप्लीकेशंस और हार्डवेयर के बीच का जो ब्रिज होता है वो हमारा कर्नल होता है. तो अगर हम वैसे देखें तो हमारा जैसे ही हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो, जब हमने अपना सिस्टम ऑन किया, ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है वैसे ही बेसिकली हमारा कर्नल लोड हो जाता है. और टिल हम अपने सिस्टम को शट डाउन करें हमारा जो कर्नल मोड है वो ऑन ही रहता है. कर्नल जो है हमारा वो तब बंद होता है जब हम अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं. बेसिकली जब तक हमारा ओएस चलेगा तब तक हमारा कर्नल रन होगा. जब तक हमारा ओएस जब बंद हो जाएगा तब हमारा कर्नल भी बेसिकली बंद हो जाता है. तो अगर हम देखें जो हमारा कर्नल है इसके बेसिकली चार सब डिविजन्स हैं. एक है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, एक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और इनपुट डिवाइस कंट्रोलर. तो बेसिकली जो हमारा कर्नल है ये यूजर और हार्डवेयर के बीच का एक मीडियम है. ठीक है, तो अगर हम इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ दिस इज ओएस देन दिस इज कर्नल. ठीक है, कर्नल हमारा मेन कंपोनेंट है ऑफ ओएस. तो इसके इन चार डिविजन्स के बेसिस पे ही we have different types of kernel. So basically we will be seeing here three types of kernel: monolithic kernel, micro kernel और hybrid kernel. तो होते क्या क्या है, monolithic kernel क्या होता है? Monolithic kernel is a kernel जहां पे हमारा process management, file management, input output devices और memory management ये चारों काम कर्नल स्पेस में ही होते हैं. वाइल माइक्रो कर्नल में क्या होता है, हमारा फाइल मैनेजमेंट और इनपुट डिवाइसेस जो है वो यूजर स्पेस में होते हैं. तो अभी ऐसा मतलब ऐसे अलग अलग क्यों है, वी विल सी. जो हमारा मोनोलिथिक कर्नल है ये इसमें क्या होता है, जो हमारे चारों कॉम्पोनेंट्स है, सब डिविजन जो है कर्नल के, जब वो कर्नल स्पेस में है तो जो हमारी स्पीड होती है वो प्रोसेस की काफी फास्ट होती है, क्योंकि ये चारों कनेक्टेड है. सिस्टम कॉल्स जो है, सिस्टम कॉल्स और एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है बेसिकली, जो अभी हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेस वाले मॉड्यूल में, वो काफी लिमिटेड रहती है कर्नल मोड में. तो हमारा जो प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट होता है. तो कर्नल मोड इज वो मोनोलिथिक कर्नल इज वेरी फास्ट, बट द थिंग इज ओनली लिमिटेशन हियर इज कि यहाँ पे ना ये चारों पार्ट काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे. अगर एक क्रैश कर गया तो हमारा पूरा कर्नल क्रैश कर जाएगा, और कर्नल क्रैश कर गया तो हमारा ओएस क्रैश कर जाएगा. और वाइल अगर हम माइक्रो कर्नल में देखें तो हमारा जो फाइल मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला पार्ट होता है वो हमारा यूजर स्पेस में डिफाइंड होता है, मतलब होता प्रोटेक्टेड है बट वो यूजर स्पेस में होता है. और जो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट है वो कर्नल मोड में ही होता है. तो ये प्रोसेस क्या है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, डिपेंडेंसी एक दूसरे पे काफी कम हो जाती है. बट
लिमिटेशन इसमें बहुत जाती है कि यहाँ पे सिस्टम कॉल्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग काफी ज्यादा होती है। अभी आप आगे देखोगे ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रोसेस भी काफी टीडियस हो जाता है। लिनक्स जो है हमारे, वो मोनोलिथिक कर्नल का एग्जाम्पल है, हम लोग यूज करते हैं। माइक्रो कर्नल का एग्जाम्पल है हमारा एक्लिप्स ओएस जो है। ऐसे ही जो हमारा हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड कर्नल बेसिकली वो क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट वो हाइब्रिड है, वो मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल का हाइब्रिड होता है। इसमें क्या होता है हमारा, जो ये चारों कंपोनेंट्स है ना कर्नल के, वो उसमें से बस फाइल मैनेजमेंट वाला पार्ट तो यूजर स्पेस में होता है, बाकी तीनों पार्ट जो है वो हमारे कर्नल स्पेस में ही होते हैं। इसका अगर हम मतलब इसके एडवांटेजेस देखें, तो उसके एडवांटेजेस दोनों होते हैं, मोनोलिथिक और माइक्रो वाले, मतलब ये स्टेबल भी है और ये फास्ट भी होता है। तो जो हमारी विंडोज 10 है, वो इट इज द एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कर्नल ओनली। सो ये तो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पूरा इस वीडियो में कि कर्नल बेसिकली होता क्या है। कर्नल इज बेसिकली हार्ट ऑफ ओएस, और वी कैन से कोर कंपोनेंट ऑफ ओएस। और कर्नल के अपने चार सब डिविजन्स होते हैं, और उन सब डिविजन्स की लोकेशन के बेसिस पे वी हैव टाइप्स ऑफ कर्नल। थैंक यू।